Hello students, I hope that you all have enjoyed your holidays very well and you will have taken all the safety measures also uh, so that you are safe and sound during this pandemic and we uh, have chapters 4 chapters in maths, mein. Uh, chapter number 1 that is real number, chapter number 2 that is polynomials, For third chapter Jo we that is coordinate geometry and fourth chapter is uh, linear equations in two variables. तो आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चन जो हैं जो एक्सरसाइजेस हैं वो अपनी कॉपी में सॉल्व कर लिए होंगे जो भी आपके डाउट्स थे आपने पूछे हैं एंड इफ देर इज एनी फर्दर डाउट देन यू कैन आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोड इस चैप्टर में हम कुछ जो आपके पुराने क्वेश्चन पुराने जो टॉपिक्स हैं पुराने टर्मिनोलॉजीज हैं उन सारे टर्म्स को हम क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ नई चीजें भी सीखी है जैसे सप्लीमेंट्री एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जो भी कंसेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करिए अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एंगल्स एंड देयर टाइप्स यानी कि कोण और उनके प्रकार तो सबसे पहली चीज की एंगल बनता कैसे है दो रेज जिनका की सेम इनिशियल पॉइंट हो यानी कि कॉमन इनिशियल पॉइंट हो तो ये जो डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं कि एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से दो रेज निकली हुई हैं इस तरीके के डायग्राम को हम क्या कहते हैं ये डायग्राम जो है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस एंगल का जो नाम है वो नाम बताने के लिए या इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला हम इस एंगल को कह सकते हैं एंगल सी ए बी या फिर इस एंगल को हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी एक और तरीका है कि अगर हम इस एंगल को कोई नाम देते जैसे एंगल वन या फिर एंगल अल्फा या फिर एंगल ए स्मॉल ए तो इस तरीके से भी हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब भी हम कोई एंगल देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उस एंगल को देखने से क्लियर हो जाते हैं जैसे पहला है वर्टेक्स जिसे कि हम हिंदी में शीर्ष कहते हैं तो इस एंगल में ये पॉइंट ए जो है वो क्या है इस एंगल का वर्टेक्स है या फिर शीर्ष है ए सी और ए बी ये इस एंगल की आर्म्स हैं या साइड्स हैं या भुजाएं हैं इस एंगल के अंदर का जो पार्ट है जो कि हमने ये इन डॉट से दिखाया हुआ है वो इंटीरियर है यानी कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल है और ये जो बाहर का रीजन है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल अगली चीज है मेजर ऑफ एन एंगल यानी कि कोड का मान तो एंगल को मेजर करने के लिए आपको पता है कि आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर उसके हिसाब से जो भी लाइन कॉन्साइड करती है उससे आप इसकी डिग्री निकाल सकते हैं किस की कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का मेजर कितना है डिग्री कितनी है अब हम अलग अलग टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे सबसे पहला जो एंगल हम पढ़ेंगे वो है एक्यूट एंगल जिसे कि हम न्यून कोड कहते हैं इस तरीके का कोई डायग्राम होगा एंगल सी ए बी ये क्या है एक एक्यूट एंगल है जिसका की मेजर जो है वो जीरो से नाइंटी डिग्री के बीच में होता है अगला है ऑप्टूज एंगल जिसको की हम अधिक कोण कहते हैं जिसका की मेजर नाइन्टी डिग्री से वन एटी डिग्री के बीच में होता है फिर तीसरा है राइट एंगल जिसे कि हम सम कोण कहते हैं जिसका मेजर नाइन्टी डिग्री होता है इस तरीके से मान लीजिए ये है ए बी सी तो एंगल सी बी ए या फिर एंगल ए बी सी ये कितना है नाइन्टी डिग्री यानी कि राइट right एंगल है अगला एंगल है स्ट्रेट एंगल जिसको कि आप सरल कोड या फिर रिच कोड कहते हैं जिसका कि मेजर होता है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहत कोड और जिसका कि मेजर होता है वन हंड्रेड एटी डिग्री से थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोड जिसका कि मेजर होता है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री यानी कि कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण हम उस एंगल को कहते हैं जिसका कि अंशियम माप कितना होता है तीन सौ साठ डिग्री 360 डिग्री अब इस चैप्टर में हम कुछ और तरीके के रिलेटिव एंगल्स पढ़ेंगे जिनको कि हिंदी में संबंधित कोण कहा जाता है जैसे कि सबसे पहला जो रिलेटिव एंगल हम पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण आप ये डायग्राम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने दो एंगल्स बनाए सबसे पहला एंगल जो है है एंगल बी ए सी और अगला एंगल जो है वो है सी ए डी एंगल डी ए बी ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है तो ये जो टोटल एंगल 90 डिग्री है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो है डी ए सी एंगल और अगला पार्ट जो है वो है सी ए बी यानी कि पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये तो ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम उनकी जो मेजर है उनकी जो डिग्री है जो वैल्यू है उसको हम ऐड करें और हमें नाइन्टी डिग्री मिले तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, यानी कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी ये कितना है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है आप डायग्राम से देख सकते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एंगल दिया हुआ है सेवेंटी डिग्री तो दूसरा कितना हो जाएगा नाइनटी माइनस सेवेंटी दैट ट्वेंटी इसी तरीके से अगर कोई एंगल दिया हुआ है फोर्टी डिग्री तो अगला एंगल हो जाएगा नाइनटी माइनस फोर्टी दैट इज फिफ्टी डिग्री सेम इसी तरीके से थर्टी प्लस सिक्सटी भी नाइनटी डिग्री होता है तो इस तरीके के जो पेयर्स हैं हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं आपकी बुक एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 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 आपको ये दिया होगा कि, मान लेते हैं कोई एक एंगल है जो थर्टी डिग्री है और आपको पता करना है तो माइनस कर देते हैं क्योंकि दोनों का सम कितना होता है नाइन्टी डिग्री के बराबर होता है सेम इसी तरीके से सप्लीमेंट्री uh, एंगल्स को हम डिफाइन करेंगे जिसे कोण कहते हैं डायग्राम देखते हैं ए डी और ए बी दो सेम वर्टेक्स से ओरिजिनेटेड दो जो है ऑपोजिट रेज हैं एडी एक रे है और दूसरी रे है ए बी जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और जिनका ओरिजिन क्या है ए है मान लेते हैं कोई ऐसी एक और लाइन है जो कि हमने पॉइंट ए वर्टेक्स से ही ड्रॉ किया हुआ है तो हमारे पास दो एंगल्स हैं पहला है एंगल डी ए सी और दूसरा एंगल सी ए बी तो कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका की सम 180 डिग्री हो जैसे यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है एंगल डी ए बी ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस एंगल का सम इस एंगल के साथ ये दोनों सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा तो इस तरीके के दो पेयर्स जिनका की सम 180 आ जाए उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोड कहते हैं जैसे अगर एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा 100 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए इसी तरीके से अगर एक एंगल 125 डिग्री दिया है तो अगला एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री सिमिलरली अगर एक एंगल 40 डिग्री दिया है तो अगला हो जाएगा 140 डिग्री अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है बाईसेक्शन ऑफ एन एंगल यानी कि कोण का समद्विभाजक मान लेते हैं आपको कोई एंगल दिया गया है एंगल डी ए बी ठीक है ए वर्टेक्स है ए से ओरिजिनेट हो रही हैं तीन रेज पहली है ए बी दूसरी है एडी और तीसरी है ए सी और इससे आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं पहला एंगल है डी ए सी और अगला एंगल है सी ए बी दो एंगल्स ये आपको मिल रहे हैं, तो हम ये जो लाइन है ए सी इस लाइन को ये जो ए सी है ये रे है सॉरी तो इस रे को हम कहेंगे कि ये ए डी और ए बी की वजह से जो एंगल बन रहा है यानी कि डी ए बी इस एंगल का बाईसेक्टर है ए सी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी इफ ये बाईसेक्टर हो जाएगा इस एंगल का अगर कंडीशन क्या है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी यानी कि ये जो दो एंगल्स हमें मिल रहे हैं ए सी की वजह से वो दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो अगर ऐसा कोई हमें रे मिल रहा है ए सी जिसकी वजह से ये दो जो एंगल्स हैं ये एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो हम ए सी को कहेंगे कि वो एंगल डी ए बी का

कि हम uh, कोई भी दो एंगल दिया हुआ आपको और हम उनको एडजस्टेंट एंगल या फिर आसन कोड कहेंगे अगर उनका शीर्ष क्या है उभयनिष्ठ है यानी कि उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है एक कॉमन शीर्ष है अगली चीज़ है कि कॉमन आम होना चाहिए यानी कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो कॉमन हो और अगली चीज़ है कि एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर एंगल ए ओ सी है और ओ बी एक रे है जो कि ओ से ही इनिशिएट हो रहा है तो यहां पर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं कैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए तो इन दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ से ओरिजिनेट हो रहा है अगली चीज इनके पास एक कॉमन नाम होना चाहिए तो इनके पास एक कॉमन नाम है ओ बी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी में जो कॉमन नाम है वो क्या है ओ बी और तीसरी कंडीशन क्या है ये जो थर्ड uh, कंडीशन है वो ये है कि ये जो कॉमन आम है ओ बी तो जो uh, पहले एंगल का पहला साइड है यानी कि ए ओ वो ओ बी के एक तरफ है और जो दू, दूसरे एंगल का जो दूसरा साइड है ओ सी वो ओ बी के दूसरी तरफ है विपरीत दिशा में है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स यानी कि कोड़ों के रेखीय युग्म कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल आपको दिया हुआ है आप उन दोनों पेयर ऑफ एंगल्स का आप लीनियर पेयर एंगल तब कहते हैं जब उन दोनों का सम क्या हो जाए वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री यानी कि एक डिग्री अगर उनका सम हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है रेखीय युग्म बना रहे हैं या फिर वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं जैसे कि ए डी सी एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर एंगल डी कितना है एंगल ए डी सी कितना है ये पूरा एंगल 180 डिग्री है अब डी से ही ओरिजी ओरिजिनेट हो रहा है एक रे डी बी तो इससे हमें दो एंगल्स मिलती हैं पहला एंगल है ए डी बी और अगला एंगल है बी डी सी अगर आप इन दोनों एंगल्स के जो वैल्यूज है डिग्री है उसको आप ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या कर रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल्स है यानी एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी जो है उन दोनों का सम वन एटी डिग्री के बराबर है तो ये दोनों एंगल्स क्या एंगल फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल्स अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्ष शीर्षि कोण। तो ध्यान से देखिए कि कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। टू आर पेयर वर्टिकली इफ पेयर यानि अगर दो एंगल्स हैं और उनके जो आर्म्स हैं वो अगर ऑपोजिट रेज फॉर्म कर रहे हैं तो इस तरीके से जो एंगल हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि दो एंगल्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या शीर्ष कोण कहेंगे अगर उनकी भुजाओं से विपरीत किरण किरणों के दो युग्म बनते हो दो पेयर बनते हो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रही है चार रेज क्या क्या ओ सी ओ बी और ओ ए -E. ये चार रेज ओ से ओरिजिनेट हो रही हैं अब यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाएंगे तो पहला पेयर है एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ डी यानी कि एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ डी ये जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कैसे आप देख सकते हैं कि ओ से एक रे जा एंगल के लिए ओ से एक रे जा रही है इस तरफ और जो दूसरी है वो इसके ठीक ऑपोजिट है सेम तरीके से ओ सी के ठीक ऑपोजिट है ओ डी. तो इस तरीके से जो हमें एंगल्स मिलते हैं हम उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं तो पहला पेयर हो गया एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओडी इसी तरीके से हमें एक और पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलेंगे दैट इज एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओडी एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओडी तो ये दोनों जो वो है वो आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू होगा डिग्री मेजर होगा वो सेम होगा और ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो इनका भी डिग्री मेजर सेम होगा इन सारी डेफिनेशन के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आप जो भी आपकी बुक एक्सरसाइजेस हैं आप उनको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे उसी के हिसाब से तो अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं